गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। अवैध टेम्पो स्टैंड चालकों के मनमानी के चलते मुख्यमंत्री के आदेश पर एसडीएम ने एसपी सिटी सर की बैठक। सैदपुर सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 48 घंटों के अंदर प्रदेश के सभी अवैध टैक्सी बस आदि स्टैंडों को हटाने का शानदार आदेश दिया है। लेकिन ये आदेश कितना सफल होगा, अधिकारी इस आदेश पर किस हद तक अमल करेंगे, ये देखना बाकी है। सैदपुर नगर में कई स्थानों पर टेम्पो चालकों द्वारा जबरिया अवैध स्टैंड बना दिया गया है। कुछ भी बोलने पर वो बोलने वालों से मारपीट पर ही आमादा हो जाते हैं। नगर में ये अवैध टेम्पो स्टैंड तहसील मुख्यालय के बगल में माँ काली रोड के मुहाने पर रामलीला मैदान के सामने बस स्टैंड के पास भित्री मोड़ पर नई सड़क तिराहे पर व चंदौली पुल के नीचे हैं। इन स्थानों पर जबरदस्ती टेम्पो को खड़े कर देने से न सिर्फ भारी जाम की समस्या बनी रहती है बल्कि अन्य वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई उन्हें वाहन हटाने को बोले तो टेम्पो चालक उनसे मारपीट पर भी आमादा हो जाते हैं। इस बाबत उप जिलाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने गुरुवार की शाम को तहसील सभागार में बैठक की, जिसमें एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी समेत क्षेत्राधिकारी व सकिल के सभी थानों के थानाध्यक्ष मौजूद रहे। सभी को निर्देश दिया कि कल से सभी अवैध स्टैंड को हटाने का अभियान चलाया जाए, इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कहा कि किसी भी तरह के अवैध वाहन स्टैंड सड़क पर नहीं होंगे। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे इसको हटाने की कार्रवाई एक अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए, कहीं भी हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए, किसी जिला मार्ग पर कहीं भी ना चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें। और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए, आपके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाए, बकायदा उसको ऑप्शन निकाले जाएं और फिर वहां पे अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा, हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा, उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गामार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चला, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है, इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा, फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा, मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए। सड़क के किनारे कोई ट्रक कोई बस अवैध रूप से पार्किंग न करें और सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित कर लें। उप जिलाधिकारी गण भी और डिप्टी एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े होंगे, वे इस बात को नोट करेंगे। किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, थ्री व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। स्टैंड का मतलब सड़क के किनारे उसके पास पर्याप्त मात्रा में पार्किंग का स्पेस हो, वहां आने वाले यात्रियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं हो, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए टॉयलेट हो, पेयजल की सुविधा हो, बैठने की व्यवस्था हो, तो कोई व्यक्ति स्टैंड के नाम पर तब वहां पर प्रशासन से अनुमति लेकर के तब तो स्टैंड की फीस वसूल कर सकता है। लेकिन अगर सड़क पर कोई करता है तो उस पर अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सभी वो अगले 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए। बंद होने के साथ ही हमें सुनिश्चित करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर एफआईआर लॉन्च करके उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है वह राजकोष में वो पैसा आना चाहिए, इसकी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए। इसलिए अवैध रूप से स्टैंड नहीं चलेंगे,